तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि छतरपुर से आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का मामला, राजनगर विवाद मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, कांग्रेस विधायक पर 307 का मामला दर्ज, विधायक नाती राजा समेत 12 लोगों पर यहां पर मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी वीडी शर्मा ने आरोप लगाया था इससे पहले, और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का ये पूरा मामला है, राजनगर विवाद मामले में पुलिस ने यहां पर बड़ा एक्शन ले लिया है। तो बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक पर 307 का यहां पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है, विधायक नाती राजा समेत 12 लोगों पर यहां पर मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर, कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये मौत का पूरा मामला है। आपको बता दें पुलिस ने इस पर अब बड़ा एक्शन ले लिया है। इससे पहले आपको बता दें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह यहां पर बैठे थे, धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब कांग्रेस के और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे इसका, लेकिन अब कांग्रेस के लिए यहां पर बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो गई है क्योंकि पुलिस ने कांग्रेस पर ये एक्शन ले लिया है। राजनगर विवाद मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का ये मामला है, कांग्रेस विधायक पर 307 का यहां पर आपको बता दें मामला दर्ज किया गया है, और विधायक नाती राजा समेत 12 लोगों पर यहां पर मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर है, राजनगर विवाद मामले में पुलिस ने अब बड़ा एक्शन ले लिया है। यहां पर कांग्रेस विधायक पर 307 का यहां पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। राजनगर में सलमान खान नाम के नेता की हत्या की गई थी, यहां पर कांग्रेस के नेता थे वो, और राजनगर विवाद में लगातार कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, कांग्रेस आरोप लगा रही थी बीजेपी पर लगातार, लेकिन इसके बाद अब पुलिस ने इस पर बड़ा एक्शन ले लिया है। अभी आपको कुछ ही देर पहले हमने वीडी शर्मा का बयान सुनाया, उन्होंने नाती राजा पर यहां पर आरोप लगाया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े। जी विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि नाती राजा समेत 12 लोगों पर पुलिस ने यहां पर मामला दर्ज कर लिया है, बड़ा एक्शन लिया है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी मैडम, बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने ये मामला दर्ज कराया है, जिसमें कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा और अन्य 12 लोगों पर 307 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। जी विनोद, यहाँ किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह यहाँ पर भी बैठे हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से कांग्रेस के ऊपर ये एक्शन लेना, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी, छतरपुर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये घटना 17 तारीख की ये घटना घटित हुई थी, जिस दौरान लगातार ये प्रदर्शन जारी था, इस वजह से ये जो एफआईआर थी वो दर्ज नहीं हो पाई थी, तो जिस वजह से आज ये एफआईआर दर्ज की गई है। जी, और इसमें बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि अभी तो नाती राजा पर यहाँ पर और उनके साथ 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, और इस पर कांग्रेस क्या कुछ कह रही है और बीजेपी का इस पर क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है सामने? बीजेपी का मैडम हम बता दें, छतरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ छतरपुर कलेक्ट्रेट में पहुंचे, और जहां पर छतरपुर कलेक्टर संदीप जिया को मिलकर के ज्ञापन सौंपा गया है, और भारी कार्यकर्ताओं के साथ तुरंत ही छतरपुर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी जी के यहाँ पहुँच करके ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की गयी है। जी विनोद, यहाँ पर क्या पुलिस ने आगे कुछ कार्रवाई की इसके बाद, मामला दर्ज करने के बाद आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती नजर आ रही है यहाँ पर? जी मैडम, लगातार दोनों पक्षों पे एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं दोनों पक्षों के द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है लगातार। जी विनोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आपको बता दें, यहां पर राजनगर विवाद का ये पूरा मामला है, कांग्रेस विधायक पर 307 का मामला दर्ज किया गया है, नाती राजा समेत 12 लोगों पर यहां पर मामला दर्ज किया गया है। छतरपुर से यह बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का ये मामला है और राजनगर विवाद मामले में पुलिस ने अब बड़ा एक्शन ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छतरपुर से, इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पर नाती राजा समेत 12 लोगों पर इस मामले में मामला दर्ज कर दिया गया है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का ये पूरा मामला है, और अब ये मामला उलझता ही चला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस आरोप लगा रही थी बीजेपी पर कि साजिश के तहत हत्या की गई है, लेकिन अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ता यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाती राजा समेत 12 लोगों पर अब यहां पर मामला दर्ज कर लिया गया है।